हेलो बच्चों, आईआईटी जेई मैथ्स अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे हैं और सभी की जेई एडवांस और जेई मेन को लेकर के बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है ना। ठीक बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 7। ठीक है, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ जीपी, जीपी का डेफिनेशन क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे। सेकेंड पॉइंट, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जीपी का जनरल फॉर्म क्या रहता है उसके बारे में समझेंगे। साथ में समझेंगे हम एनए टर्म ऑफ जीपी एंड लास्ट में रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और इस वाले पार्ट से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे ना, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, नाउ तो स्टार्ट करें। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ जीपी। ठीक है, जीपी हम किसे कहेंगे ना, क्या रहेगा इसका डेफिनेशन, तो समझिए। पहला पॉइंट, एनी सिक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। किसी भी सिक्वेंस को हम जीपी कहेंगे इफ इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग। देखो थोड़ा अलग अंदाज में लिख रहे हैं ना, पर ओरिजिनल डेफिनेशन यही है ना, सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सीक्वेंस ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग ए फिक्स्ड क्वांटिटी टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म। आपको लग रहा होगा सर ने पता नहीं कैसे अजीब सी डेफिनेशन लिखवाई है ना, प्रिसीडिंग टर्म्स। अब आपको समझाएंगे कि एक्चुअली बेटा ये टर्म ही ओरिजिनल, ये जो डेफिनेशन है यही ओरिजिनल डेफिनेशन है ना। ठीक है, बाकी आप जो पढ़ते हैं वो भी बताएंगे। अच्छा समझो क्या लिखा है। देखो तो पहले तो हमने ये लिखा है कि एनी सिक्वेंस, किसी भी सिक्वेंस को हम जीपी कहेंगे। कब कहेंगे, इफ सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सिक्वेंस ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग ए फिक्स क्वांटिटी टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म। मतलब प्रिसीडिंग टर्म्स में एक फिक्स क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते जाएं तो हमारे पास अगला वाला टर्म मिलता हुआ चला जाए, उस तरह की सिक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं ना। आपको एक बात ये क्लियर हुई। एक और पॉइंट, जो फिक्स्ड क्वांटिटी है, फिक्स्ड क्वांटिटी इज नॉन एज कॉमन रेशो, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन रेशो कहते हैं ना। एंड इन जनरल, इन जनरल डिनोटेड बाय स्मॉल आर, और जनरली हम क्या करते हैं, डिनोटेड बाय स्मॉल आर है ना, बाय रह गया ना, डिनोटेड बाय स्मॉल आर। और इन जनरली क्या करते हैं, जो फिक्स क्वांटिटी है उसको हम कॉमन रेशो कहते हैं, और कॉमन रेशो, ठीक है, कॉमन रेशो कहेंगे, और जनरली हम इसे स्मॉल आर से डिनोट करते हैं ना। अब आप देखो बातों को बड़े ध्यान से समझना ना, मैं क्या समझाने जा रहा हूं, और आप जो डेफिनेशन पढ़ते हैं हम उसके बारे में भी बात करेंगे ना। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो कि हमारे पास में कोई भी एक सीक्वेंस है जिसका फर्स्ट टर्म मुझे 2 मालूम है। अब मैंने कहा कि फिक्स क्वांटिटी लिया 3 है ना, तो 3 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना आ जाएगा, 6 आ गया। इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई किया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 18 आ जाएगा। 18 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक है, इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 तो यहां से आ गया, और 12 थ्री से इसको मल्टीप्लाई किया ना, 15 और 16 आ जाएगा, तो 162 आ गया। इस तरह से आया, तो ये वाली जो सिक्वेंस है ना, ये क्या है, एच ए जीपी, ये अपने आप में क्या है, जीपी है। रूल क्या कहता है, प्रिसीडिंग टर्म्स को आपने अगर फिक्स क्वांटिटी से अगर मल्टीप्लाई करते जाए आपको अगले टर्म्स मिलते हुए चले जाते हैं ना, उस तरह की सिक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं। क्लियर है बच्चों, जैसे मान लो आपने एक सिक्वेंस, एक ऐसे सिक्वेंस लिखते हैं ना, इसमें फर्स्ट टर्म 5 है, आपने इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5 स्क्वायर आया, इसको 5 से मल्टीप्लाई करते आ रहे, 5 क्यू, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 4 डॉट डॉट करके ऐसे एक सिक्वेंस लिखा हुआ है, ये सिक्वेंस है, और इस सिक्वेंस को आप ध्यान से देखें तो कैसा होगा, जीपी होगा। क्लियर, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हुई। डेफिनेशन क्या कहता है, सक्सेसिव टर्म्स ऑफ सिक्वेंस ऑब्टेंड बाई मल्टीप्लाइंग ए फिक्स क्वांटिटी टू इट्स प्रिसीडिंग टर्म, मतलब पिछला वाला जो टर्म है ना, अगर ऐसे मिलता है तो उस तरह की सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं, जीपी कहते हैं ना। ठीक है बच्चों, एक पॉइंट और हम नोट करके एक बात ये कह सकते हैं कि इन जीपी अगर जीपी की बात की जाए तो रेशो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। भाई अगर इस बात को हम चाहें तो इस अंदाज में भी बोल सकते हैं, या फिर देखो डेफिनेशन जनरली हम ये वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, कोई भी सीक्वेंस है उसको आप जीपी कब कहेंगे, जब रेशो ऑफ सक्सेसिव टर्म्स कैसा है, कॉन्स्टेंट है। एक्चुअली देखो ये बात तो क्या, इस कंडीशन से ड्राइव हुई है ना,
एक्चुअली ओरिजिनल डेफिनेशन ये है, बाकी तो एक कॉन्क्लूड एक रिजल्ट है, यहाँ से भी हमने डेफिनेशन बना के भी लिख देते हैं ना, कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिल जाता है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आ गई ना। ठीक है, रेशियो ऑफ सक्सेस टर्म कैसा आएगा, इट्स कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू, और एक किसके इक्वल आएगा, इक्वल टू कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो के बराबर आएगा। क्लियर, आपको ये बात समझ में आई ना। पहली बात तो हमने ये कहा, मान लो अगर हमारे पास में क्या लिखा है, टी वन टी टू टी थ्री डॉट डॉट टी एन, ये इन जीपी, अगर ये जीपी में है तो इसका मतलब क्या हुआ भैया, टी टू अपॉन टी वन बराबर टी थ्री अपॉन टी टू इक्वल टू कितना आया, टी फोर अपॉन टी थ्री डॉट डॉट करके ऐसे कुछ आ जाएगा, टी एन अपॉन टी एन माइनस वन, ये सब कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट आएगा और किसके बराबर आएगा, कॉमन रेशो के बराबर आएगा ना। ठीक बच्चों, आई थिंक आपको डेफिनेशन वाला पार्ट क्लियर हुआ ना, फर्स्ट पॉइंट तो हमने ये समझ लिया ना कि डेफिनेशन ऑफ जीपी क्या है ना। ठीक है, इसको हमने एक ओरिजिनल जो डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग लिखा ना। नाउ अब आप आगे कुछ पॉइंट और समझिए। अच्छा बच्चों, सेकंड पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, अच्छा बच्चों सेकंड पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि इन केस ऑफ जीपी, अगर जीपी की बात करें, इन केस ऑफ जीपी फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी जीरो, फर्स्ट टर्म कैन नॉट बी जीरो, मतलब जीपी का जो फर्स्ट टर्म है वो जीरो नहीं हो सकता बच्चों ना, इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। ठीक है, इस वाले पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखिए कि जीपी के अंदर जो फर्स्ट टर्म है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। एक और पॉइंट, अच्छा थर्ड पॉइंट और सीखते हैं बच्चे कि हाउ टू आइडेंटिफाई, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट ए सिक्वेंस इज जीपी और नॉट। आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना इन जनरल वे में ना, तो देखो कई सारे तरीके हो सकते हैं आइडेंटिफाई करने के, आपने करस्पॉन्डिंग टर्म्स सक्सेस टर्म्स का आप रेशो निकालते जाओ, अगर वो कॉन्स्टेंट आ गया तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो जीपी होगा, या फिर इन जनरल अगर तरीका समझें, मान लो आपके पास कोई सिक्वेंस का एन टर्म पता है, आपने टी एन कैलकुलेट किया, टी ऑफ एन माइनस वन कैलकुलेट किया, आपने अगर इसका वैल्यू जब निकालते हैं, अगर मान लो ये कॉन्स्टेंट आ जाता है, कॉन्स्टेंट से मतलब है इनडिपेंडेंट ऑफ एन आया, ठीक है, एन से अगर इनडिपेंडेंट आता है ना तो हम क्या बोलेंगे, देन सिक्वेंस विल बी जीपी, तो सिक्वेंस कैसा होगा, जीपी होगा। क्लियर बच्चों, आई होप आपने यहां तक के पॉइंट्स हमने समझ लिए अच्छे ढंग से ना। ठीक है, इस पर एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं है, बट हमने एपी के अंदर ऐसा एग्जाम्पल लिया था और एपी के अंदर ऐसे सेम टर्म पढ़ा था ना। नाउ बच्चों अब आगे मूव करते हैं, आगे समझते हैं जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, जीपी का जनरल फॉर्म लिखते हैं ना, कैसा होता है जीपी का जनरल फॉर्म ना, इस बात को समझिए। लेट भाई, तो जीपी लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो फर्स्ट टर्म चाहिए, तो लेट हमने मान लिया कि फर्स्ट टर्म क्या है ए, और साथ में हमने मान लिया कॉमन रेशो ना सी आर है ना, दैट इक्वल टू कितना है स्मॉल आर है, देन जीपी क्या होगा, तो जीपी आएगा, तो फर्स्ट टर्म तो ए आ गया, इसको आपने आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर आ जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगला टर्म ए आर स्क्वायर आ जाएगा, इसको अगर आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आर क्यू आ जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर पावर फोर आया डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस वन, कुछ ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी, मतलब फर्स्ट टर्म ए होगा तो सेकेंड टर्म ए आर स्क्वायर, ऐसे ध्यान रख सकते हैं ना। नाउ यहाँ पर भी एक बात आप समझिए, हमने पहले भी ऐसे सीखा था, इस टर्म को अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ फर्स्ट टर्म, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ सेकेंड टर्म, इसको अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ थर्ड टर्म, और इसको हम क्या बोल सकते हैं फोर्थ टर्म लिखा हुआ है। अब देखो सिमेट्री समझो, सेकेंड है तो यहाँ थर्ड आ रहा है, थर्ड है तो यहाँ फोर्थ आ रहा है, अगर यहाँ एन माइनस वन है तो यहाँ क्या आएगा एन आएगा, ये क्या लिखा हुआ है एनथ टर्म ऑफ जीपी, तो जीपी का एनथ टर्म कितना आता है ए इंटू आर पावर एन माइनस वन आएगा। ठीक है, यहाँ तक की पॉइंट आपको समझ में आ गया ना। नाउ आगे बढ़ते हैं और मूव करते हैं ना। अब देखो यहाँ पर आप कुछ पॉइंट समझिए बड़े ध्यान से ना, पहला पॉइंट तो ये समझिए कि जीपी विल बी इंक्रीजिंग, जीपी इंक्रीजिंग होगा ना, कब होगा, एक्चुअली इस पर दो कंडीशंस रहेंगे ना, इट डिपेंड्स, तो देखो जीपी इंक्रीजिंग होगा तो इसके लिए हम क्या कंडीशंस आएंगी ना,
तो बहुत ध्यान से मेरी बात को समझो, जब हम एपी पढ़ रहे होते हैं तो एपी के अंदर क्या है, एपी इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है या कॉन्स्टेंट होता है, तो ये सारी बातें किस पे डिपेंड करती हैं, कॉमन डिफरेंस डी पे डिपेंड करते हैं इन केस ऑफ एपी। बट जीपी में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कॉमन रेशो पे डिपेंड करता है, नहीं, कॉमन रेशो पे तो डिपेंड करेगा, साथ में वो क्या करता है फर्स्ट टर्म पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो जीपी विल बी इंक्रीजिंग, तो इट डिपेंड्स कि फर्स्ट टर्म कैसा है, कि एफ अगर आपका मान लो फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है या फिर आपका फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, वो कैसा है फर्स्ट टर्म आपका ना, इस बात पे निर्भर करेगा ना। अगर मान लो आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है तो जीपी इंक्रीजिंग है, तो आर कॉमन रेशो कैसा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन आएगी पहली बात। इसको देखो समझना बहुत आसान है, आर का वैल्यू कैसा है, 1 से बड़ा है। तो देखो आप प्लीज यहाँ फोकस करिए ना, आर का वैल्यू ऐसा कुछ भी आप लेके चले, एक बार जैसे मान लो आर का वैल्यू 5 लेके चला मैं, ठीक है। अब आर का वैल्यू 5 यहाँ लिया, तो 5 यहाँ पुट कर देते, आर का वैल्यू पुट कर दे, तो अब क्या हो रहा है, 5 पे पावर्स इंक्रीज करती जा रही है, मतलब आर पे पावर धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। पावर अगर इंक्रीज करेगी तो नंबर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, आगे हमने क्या कर रखा है, ए से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो एकदम क्लियरली दिख रहा है ना, यहाँ 5 है, यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 क्यूब, 5 पावर 4 है, नंबर बड़ा होता चला जा रहा है, मतलब जीपी कैसे जा रही है, बढ़ती हुई जा रही है ना, कहीं कोई समस्या इसमें नहीं आती। नाउ सेकंड समझो, अगर मान लो फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव है और जीपी इंक्रीजिंग है, तो जीपी को इंक्रीजिंग होने के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, आर जो होगा कॉमन रेशो वो कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए। बात समझ में आई, तो कॉमन रेशो कैसा रहेगा, 0 और 1 के बीच में। इस बात को बड़े ध्यान समझिए ना, देखो पहले तो मैं डायरेक्ट आपको समझाता हूँ, दूसरा फिर हम एग्जाम्पल से समझेंगे ना। आर का वैल्यू कैसा है, 0 और 1 के बीच में, तो मान लो आप कोई भी एक वैल्यू लेके चले, आर का वैल्यू हमने इसे हाफ ले लिया, ठीक है, आर का वैल्यू हमने हाफ लेके चले। अच्छा अब देखो हाफ अगर लेंगे तो आर के जब पावर्स बढ़ाते जाएंगे, जब इसे मूव कर रहे हैं इस साइड, तो जब पावर्स बढ़ती जा रही है, तो ये नंबर कैसा होगा, आर वाला नंबर छोटा होता चला जाएगा, छोटा होता चला जाएगा ना, नंबर छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है नंबर ना। और आगे हमारे पास में क्या लिखा है, ए जो लिखा हुआ वो कैसा नेगेटिव है, भाई ये मान लो सबसे छोटा नंबर हुआ आर पावर, अपने नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव में क्या होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है वो कैसा होता है, सबसे बड़ा नंबर होता है। इट मीन कि भैया सीरीज यहाँ से स्टार्ट हुई और ये सबसे बड़ा नंबर है, भैया सीरीज क्या कर रही है, बढ़ रही है घट रही है, सीरीज बढ़ रही है ना। आई होप आपको ये बात समझ में आए ना, किसी बच्चे को अगर दिक्कत भी है तो इस बात को देखो समझना बहुत आसान बात है। कैसे, आप क्या करो, ए का वैल्यू है ना 5 ले लेते हैं, सॉरी -5 ले लिया, फर्स्ट टर्म -5 ले लिया, कॉमन रेशो मैंने हाफ ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं जीपी लिखना स्टार्ट करूं, तो फर्स्ट टर्म तो -5 आया, सेकंड टर्म कितना आएगा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया, -5/2 है, अगला टर्म कितना आएगा, -5/2² आ जाएगा, अगला टर्म अगर बात करें तो -5/2³, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को यहाँ समझिए, -5 तो हमने यहाँ पुट कर दिया, -5/2 कितना आ जाएगा, -5/2 कितना आएगा, -2.5 आया। अगले नंबर की बात करें तो -1.25 यहाँ से आ जाएगा, नंबर और आधा हो गया, इसका भी फिर आधा करेंगे। अब मान लो यहाँ ओरिजिन है, तब देखो नेगेटिव की तरफ से, सॉरी ओरिजिन की तरफ आप पहुंच रहे हो, तो ओरिजिन की तरफ आप सीरीज यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर की साइड आप मूव कर रहे हैं, तो जीपी बढ़ रही है घट रही है, जीपी बढ़ रही है ना, तो जीपी कैसा आ रहा है, इंक्रीज कर रही है ना, इधर जाएंगे तो नंबर बढ़ेंगे, तो नंबर बढ़ रहे हैं तो मतलब जीपी कैसा है, इंक्रीजिंग है। अनफ अनफ, आई थिंक आप समझ गए होंगे इस बात को, नहीं समझे तो फिर से वीडियो को एक दो बार रिकॉल करो और इन बातों को सोचो ना, इसको आप रट नहीं सकते कभी भी, समझना ही पड़ेगा आपको ना। सेकेंड पॉइंट, जीपी विल बी डिक्रीजिंग, जीपी घटता हुआ होगा ना, तो जीपी घटता हुआ होगा तो किस केस में होगा, इट डिपेंड्स ऑन ए कि भैया फर्स्ट टर्म आपका पॉजिटिव है कि फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव है, फर्स्ट टर्म कैसा है ना वो इस बात पर निर्भर करेगा ना। अब क्या है, अब बात करते हैं हम कॉमन रेशो के। अगर मान लो आपका फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और जीपी डिक्रीजिंग है, तो भैया आर को कैसा होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर आप फर्स्ट टर्म तो पॉजिटिव ले लिया, ए को से पॉजिटिव ले लिया आपने, आर कैसा है, 0 और 1 के बीच में, तो नंबर जब पावर बढ़ाते जाएंगे तो नंबर कम होते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे ना, क्लियर है ना आपको ना, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, कैसा आ जाएगा वो, डिक्रीजिंग बनेगा ना अंडर दिस कंडीशन। दूसरा उसने क्या बोला है कि अगर मान लो फर्स्ट टर्म आपका नेगेटिव और जीपी कैसा है, डिक्रीजिंग है, तो ये कब बनेगा डिक्रीजिंग, जब आपका कॉमन रेशियो कैसा हो, 1 से बड़ा हो, ठीक है, तभी वो कैसा आएगा, डिक्रीजिंग आएगा। क्या आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बिल्कुल समझिए ना ध्यान से। अगर मान लो देखो आप ए को बाद में आप फोकस करना है, पहले आप आर पे फोकस करिए ना, आर 1 से बड़ा है, आर 1 से बड़ा है, इधर हम मूव कर रहे हैं तो पावर्स बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, नंबर बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, बहुत बड़ा नंबर हो गया ना, ठीक
ठीक है, पावर सब बढ़ाते जा रहे हैं तो ना, अब क्या किया, आगे वाला टर्म नेगेटिव है ना, ए का वैल्यू नेगेटिव। अब ए पे फोकस करते हैं, ए अगर नेगेटिव है तो मतलब जो सबसे बड़ा नंबर था और माइनस साइन से मल्टीप्लाई करने थे, क्या हुआ, एकदम सबसे छोटा नंबर बन गया। बताओ भाई, सबसे बड़े नंबर को अगर आप माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन सभी में वो सबसे छोटा नंबर बनेगा कि नहीं बनेगा? तो अगर ये सबसे छोटा नंबर बना तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो ये लास्ट में सबसे छोटा नंबर आ रहा है, तो सीरीज घटेगी या बढ़ेगी? घटेगी। ठीक है, तो इन दो को, इन केसेस को आपको बड़े अच्छे ढंग से याद रखना है ना, याद मतलब कि समझ करके ही आपने याद रख सकते हैं। देखो तो अगर इतना आसान हो रहा होता तो मैं भी क्या 1 मिनट में बता करके बहुत स्किप करके फटाफट निकल चुका होता ना। नहीं, मैंने भी फोकस किया है, कंसंट्रेट किया है इस बात पर कि बच्चे यहाँ पर गच्चा खाते हैं ना। ठीक है, अगला पॉइंट और समझिए ना, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ, यहां से ऐसे लिखते हैं, इफ अगर मान लो कॉमन रेशियो का वैल्यू अगर 1 आता है, देन हम एक बात क्या बोलेंगे, जीपी विल बी कॉन्स्टेंट। जीपी विल बी कॉन्स्टेंट, जीपी कैसा होगा, कॉन्स्टेंट होगा, मतलब उसका फर्स्ट टर्म 2 है, सेकंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 2 है। ठीक है, ऐसे करके सारे टर्म्स, जैसे मान लो एक एग्जांपल है ना, तो सभी टर्म्स कैसे आ जाएंगे, इक्वल आएंगे। अगर सभी टर्म्स अगर बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये जीपी भी है और अपने आप में एपी भी है। ठीक है, 1 मिनट बच्चे ना, क्लियर बच्चों ना, आई होप आपको यहाँ तक का पॉइंट भी क्लियर है ना। ना एक और पॉइंट आप समझिए, मैं यही लिख रहा हूँ उसको ना, बहुत ध्यान से समझना, स्क्रीन अभी चेंज नहीं कर रहे। अब देखो एक और केस क्या हो सकता है, इफ अगर मान लो आर का वैल्यू अगर नेगेटिव है, अगर आर नेगेटिव हुआ, इन दैट केस क्या होगा ना, बच्चे बोलते सर जीपी नहीं हुआ। अरे बच्चे, आर नेगेटिव है तो क्या जीपी नहीं हुआ? होगा यार जीपी ना, वैसे बच्चों में ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है ना, पढ़ते पढ़ते ज्यादा समझने लगते हैं फिर बच्चे ना। तो अब आपको ध्यान क्या करना है, आर अगर नेगेटिव है तो काम की बात समझो, आर अगर नेगेटिव है तो देखो आर का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पुट किया, यहाँ स्क्वायरिंग किया, तो ये टर्म नेगेटिव है तो मान लो ये टर्म कैसा आएगा, पॉजिटिव, डिपेंड्स ना, ए अगर पॉजिटिव लेके चल रहे हो तो ना, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर ये टर्म नेगेटिव बनेगा ये पॉजिटिव बनेगा, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस आएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, देन जीपी जो होगा, देन जीपी विल बी नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, है ना, जीपी ना तो बढ़ता हुआ होगा ना ही घटता हुआ जीपी होगा, समझ गए, मतलब ना तो वो इंक्रीज करेगा ना ही वो डिक्रीज करेगा। क्लियर है बच्चों ना, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर हुआ ना, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है ना। नाउ मूव करते हैं आगे, अब आगे सीखते हैं हम एनएथ टर्म ऑफ जीपी, जीपी का एनएथ टर्म क्या आता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अभी आपने सीखा ही था, एनएथ टर्म कितना है, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, यही आता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर यहां पे हम बात करें वेयर ए इज इक्वल टू कितना है, फर्स्ट टर्म, ए फर्स्ट टर्म में आर कैसा है, कॉमन रेशो, और एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है ना। ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स की अगर बात करें तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसा आएगा भैया, इंटीजर आएगा, मतलब आई प्लस को बिलोंग करेगा ना, या नेचुरल नंबर है ना। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये बात भी क्लियर होगा ना, एन ए टर्म ऑफ जीपी क्या होगा ना, तो एन ए टर्म ऑफ जीपी कितना आ जाएगा, टी एन इक्वल टू क्या लिखेंगे, ए इंटू आर पावर एन माइनस वन, जो भी टर्म आप लिख रहे हैं यहाँ आर पे क्या आएगा, एक पावर कम आएगा। सपोज आपको सिर्फ पी एन टर्म लिखना है या 100 टर्म आपको लिखना है, कितना लिखें, ए इंटू आर पावर 99, मान लो आपको पी एन टर्म लिखना है तो ए इंटू आर पावर पी माइनस वन है ना, मान लो आपको लिखना है पी प्लस क्यू एथ टर्म आपको लिखना है तो कितना आ जाएगा, ए इंटू फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं कॉमन रेशो आर, तो कितना आ जाएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई ना। एन ए टर्म ऑफ जीपी क्या होगा, उसके लिए जो फॉर्मूला है ना वो एकदम याद रहना चाहिए ना, बहुत ही छोटा सा। तो अगर थ्योरी वाइज दिखाया तो देखो, तो अभी तक हमने ज्यादा नहीं पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ जीपी क्या होता है वो सीखा था, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होता है, जीपी का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में समझा, और अभी हमने क्या समझा, एन ए टर्म ऑफ जीपी समझा। ठीक है बच्चों, नाउ तो आज की इस वीडियो में थ्योरी वाला पार्ट इतना ही है ना, अब हम जो करने वाले हैं प्रॉब्लम्स करेंगे ना, प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स लेंगे शुरुआत में और सभी तरह की प्रॉब्लम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे ना। पहली प्रॉब्लम कुछ लर्निंग वाली प्रॉब्लम्स भी होंगी ना, ना मूव करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ पर लेते हैं ना, कि इन जीपी, मान लो अगर जीपी में अगर बात की जाए, आपको सेकंड टर्म पता है ना 24 है, एंड
मान लेते हैं कि फिफ्थ टर्म आपको 81 आपको मालूम है, क्वेश्चन है फाइंड जीपी, आपको जीपी फाइंड आउट करना है, ठीक है, निकाल सकते हैं जीपी। हाँ बहुत ही आसान है ना सवाल में। एक और क्वेश्चन नंबर टू भी अपना यही लिखेंगे ना। अब देखो दोनों को सॉल्व करते हैं, मतलब पहला तो फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड समझेंगे ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, इन जीपी की अगर बात करें तो आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म ए मान लिया और कॉमन रेशो आर अज्यूम कर लिया ना। अच्छा एक और बात समझो बच्चों, जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे थे ना, पहले आप अपने आप से अटेम्प्ट किया करो और देन आप सीधा सॉल्यूशन है ना, या फिर आप लर्निंग फेज में तो डायरेक्ट आप देख करके समझ सकते हो ना। अब देखो एक बात, सेकेंड टर्म आपको कितना दे रखा है, सेकेंड टर्म गिवेन है 24, ठीक है, तो इट मीन कि अगर मुझे सेकेंड टर्म लिखना है तो ए इंटू आर इक्वल टू कितना आ गया, 24 आया। फिफ्थ टर्म आपको कितना गिवन है, 81 गिवन है, मतलब फिफ्थ टर्म कितना हो जाएगा, ए इंटू आर पावर 4 दैट इक्वल टू कितना है, 81, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वेशन वन मान लेते हैं, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं, क्लियर। आपको जीपी फाइंड आउट करना है, तो जीपी क्या होगा हमारे पास, अगर फर्स्ट टर्म ए ले रखा है कॉमन रेशो आर है तो ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, ये जीपी होगा। मतलब जीपी को अगर फाइंड आउट करना है तो कितने अननोन है जीपी में, दो अननोन, एक फर्स्ट टर्म और एक कॉमन रेशो। अच्छा दो अननोन को निकालने के लिए दो कंडीशंस होनी चाहिए, दे रखी है क्या, बिल्कुल दे रखी है। नाउ तो अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लीकेशन से निकाल, जैसे जब भी सिंप्लीफाई करना होता है आपको ए और आर सभी के हिसाब से वैल्यू निकालना है, तो हम कैसे करते क्या है, पहले हम एक वेरिएबल को इलिमिनेट कराते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, ए को इलिमिनेट कर लेते हैं बहुत ही आसानी से, कैसे, सेकेंड को मैं फर्स्ट से डिवाइड लगा दूँ, तो फर्स्ट से अगर डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ कितना बने, ए इंटू आर पावर 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, ए आर, यहाँ आ गया 81 अपॉन में 24, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, आर से जब इसको कैंसिल कराएंगे तो कितना आ जाएगा, आर क्यू आ गया। अच्छा इसको 3 से अगर कैंसिल करते हैं तो ऊपर तो 27 आ गया, नीचे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है ना। उसको जब आप आगे सिंप्लीफाई कराएंगे तो यहाँ से आर का वैल्यू कितना आ जाता है, 3/2 आ जाता है, ठीक है, आर का वैल्यू यह आया ना। आर की वैल्यू को अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पुट कर देते हैं, अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो देखो कितना है, ए इंटू आर का वैल्यू कितना पुट किया, 3/2 आपने पुट कर दिया, दैट इक्वल्स टू कितना है, 24 आया ना। उसको अगर सिंप्लीफाई कराएं, 3 से 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आया। मतलब फर्स्ट टर्म कितना आ गया, 16 आ गया, और कॉमन रेशो कितना है, 3/2 आया ना। अगर मुझे जीपी लिखना है तो जीपी लिखना है तो आप देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म कितना है, 16, और हमें पता है जीपी का रूल क्या होता है, इसमें भी कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई करते जाओ अगला वाला टर्म आपको मिलता चला जाएगा, ठीक है, या फिर एक तरीका ए और आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कराओगे ना। 16 तो को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 16 लिखा, इसको कॉमन रेशो से मल्टीप्लाई किया 3/2, अगला टर्म क्या मिलेगा, 16 इंटू 3, इसको 3/2 से फिर से मल्टीप्लाई किया, 3/2 का होल स्क्वायर, फिर 16 इंटू इसको 3/2 से मल्टीप्लाई किया पिछले टर्म को, तो यहाँ पर क्यू आ गया, ऐसे करके हमारे पास ये जीपी आ गया, ठीक बच्चों ना। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बात अच्छे ढंग से क्लियर है। नाउ एक और प्रॉब्लम लेते हैं नेक्स्ट, है ना। अच्छा आपको पूछा जाए कि आप इसका 50th टर्म बताओ ना, T50 बताइए, आसानी से लिख सकते हैं 50th टर्म, T50 कितना आ जाएगा, A इंटू आर पावर 49, तो A तो कितना आ रहा है, 16, R का वैल्यू कितना आ रहा है, 3/2, और पावर में कितना जाएगा, 49। अच्छा बच्चे क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने में लग जाते हैं ना, बेटा इसको कोई सॉल्व नहीं कर सकता सिवा कैलकुलेटर के ना, कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा ना जब थोड़ा 49 वगैरह, 3/2 पावर 49 वो कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगा ना, तो ठीक आंसर आपको यहीं छोड़ देना रहता है ना, दिस इज आंसर। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2/4 और 2/49 लेकर के थोड़ा बहुत इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो आप लोग, ठीक है, नहीं तो आप आंसर को यहीं छोड़ दीजिए। ओके बच्चों, ओके बहुत ही बढ़िया ना। ना आगे मूव करते हैं ना, एक और प्रॉब्लम लेते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, इन जीपी, एक जीपी है हमारे पास जिसका आपको पी प्लस क्यू एट टर्म मालूम है स्मॉल ए, एंड पी माइनस क्यू एट टर्म हमारे पास कितना है, स्मॉल बी है। क्वेश्चन है फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है पी एट टर्म, तो जीपी का पी एट टर्म फाइंड आउट करिए ना। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चे, सोचिए आप लोग और फिर बताइए, ठीक। तो पहले प्रॉब्लम को अपने एंड पे आप ट्राई कर लीजिए बच्चे ना, और देन सीधा सॉल्यूशन, फिर सॉल्यूशन आपको देखना चाहिए, फिर आपको मजा भी आएगा ना। अच्छा देखो गिविन क्या है हमारे पास में, सॉल्यूशन अगर हम करें तो पी मान लेते हैं कि हमारे पास दे रखा है पी प्लस क्यू एथ टर्म, कितना गिविन है, ए गिविन है, और साथ में हमारे पास क्या दे रखा है, पी माइनस क्यू एथ टर्म कितना गिविन है, बी गिविन है, ठीक है। तो मान लेते हैं अगर जीपी है तो फर्स्ट टर्म ए मान लेता हूँ, कॉमन रेशो कैपिटल आर मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि स्मॉल ए और स्मॉल ए तो ये यूज कर चुका ना, जब स्मॉल ए यूज इसने कर लिया तो कैपिटल ए मान लेते हैं, और उसी तरीके से हमने कैपिटल आर को स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर ले लिया ताकि सिमेट्री सी बनी जाए ना।
अब देखो बच्चों बात को आप समझिए, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं a इंटू आर पावर p प्लस क्यू माइनस वन, दैट इक्वल टू स्मॉल a, ऐसे लिख सकते हैं ना। इसको अगर मुझे लिखना है तो कितना a इंटू आर पावर p माइनस क्यू माइनस वन, दैट इक्वल टू कितना है b आया। ठीक है, अब काम की बात आप समझो। एक्चुअली मुझे फाइंड आउट क्या करना है, देखो ये मैटर करता है हमेशा ना मैथ्स में, जब भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो ना बच्चे, तो हमेशा गिविन क्या है, दैट इज गिविन। फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड हमें करना है पी एट टर्म, तो पी एट टर्म कितना होगा, ए इंटू आर पावर पी माइनस वन, ये होगा पी एट टर्म। ठीक है, इसका मतलब क्या, मुझे ए और आर की अगर वैल्यू फाइंड आउट कर लें, दो अननोन है तो ए और आर को निकालने के लिए दो कंडीशन दे रखी है हमारे पास। ठीक है, ए और आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पुट कर सकते हैं। बट अब आपको एक बात भी समझाएंगे ना, वैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत आसान बात है। आपको मान लो आर का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो काम करते हैं इक्वल एलिमिनेट कर देते हैं डिवाइड करके, आर में ऐसे कुछ आएगा, इसको आगे जब सिंपलीफाई कराएंगे तो यहाँ से कैपिटल आर हम कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे, आपने जब डिवाइड लगाया ना तो यहाँ तो ऊपर आ जाएगा आर पावर पी प्लस क्यू माइनस वन अपॉन में कितना आ जाएगा, आर पावर पी माइनस क्यू माइनस वन, दैट इक्वल टू कितना है ए बाई बी आया। तो आर पावर पी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा आर पावर माइनस वन, तो ये कितना आ जाएगा आर पावर ऑफ टू क्यू आ गया, है ना। अब टू को इधर भेज देंगे तो आर पावर क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, वन ए अपॉन बी पावर वन अपॉन टू क्यू, है ना। ऐसे करके आप सॉल्व करोगे, फिर आर की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, करस्पॉन्डिंग ए निकालेंगे। बट हम ऐसे सॉल्व इसको नहीं करने वाले हैं ना, ये तो आपको ब्रीफ आइडिया ऐसे दिया था ना। अब देखो समझो बात को, देखो जैसे हमने एपी से आप समझिए बात को, एपी के अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम कराई थी, सम ऑफ एन टर्म्स इन ऑफ एपी, है ना, हमने ये सीखा था। तो वहां पे हमने कुछ प्रॉब्लम सॉल्व की थी जहां पे हम पहले ए और डी का सेपरेट वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। ठीक, उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे फिर आगे सॉल्व की थी जहाँ पे मुझे ए और डी का सेपरेट वैल्यू कैलकुलेट नहीं किया था हमने, उन्हें ओवरऑल टर्म का वैल्यू ही कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, वो कैसे डिपेंड करता है, वो डेटा पे गिवन करता है ना, डेटा किस तरह से गिवन है वो इस बात पे डिपेंड करता है। अब देखो इस वाली प्रॉब्लम को आप ध्यान समझिए, हमारा मकसद कभी भी ये नहीं है कि ए और आर का वैल्यू हम सेपरेट फाइंड आउट करें, हमारा मकसद है इसका वैल्यू फाइंड आउट करना, ए इंटू आर पावर पी माइनस वन। ठीक है, अब देखो क्या ये वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, हाँ ये बिल्कुल डायरेक्ट निकाला जा सकता है अगर आप कंसंट्रेट करें और यहाँ पर ध्यान दें। तो कैसे, देखो आप इनको मल्टीप्लाई किया आपने ना, एक बार ऐसे ऑब्जर्व करो, डायरेक्ट आप समझ जाएंगे। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आर पावर कितना आएगा, पी प्लस क्यू माइनस वन, बेस सेम है तो क्या होगा, पावर से ऐड हो जाएंगी, पी माइनस क्यू माइनस वन, दैट इक्वल टू कितना है ए इंटू बी आ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से अगर समझे, यहाँ से क्यू कैंसिल हो गया, मतलब हमारे पास यहाँ क्या बचा, ए स्क्वायर आ गया, और यहाँ कितना है आर पावर पी, और पी कितना आ जाएगा, टू पावर टू पी माइनस ऑफ टू, दैट इक्वल्स टू कितना ए इंटू बी आ गया। ठीक है, इस वाले पार्ट को अगर मैं चाहूँ तो ए आर पावर पी माइनस वन इसका होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। देखो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अंदर से मल्टीप्लाई कराइए तो यही वाला टर्म आ जाएगा, ऐसे कुछ लिख सकते हैं ए इंटू बी। अब ध्यान से देखें तो ये वाला टर्म बना कि नहीं बना, हाँ ये तो मुझे चाहिए था, यही अपना एम था, मतलब a इंटू आर पावर p माइनस वन का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ ए बी आ गया। ठीक, और ये क्या लिखा हुआ अपने आप में, पी एट टर्म लिखा हुआ, तो पी एट टर्म कितना आ जाएगा, रूट ए बी आ जाएगा। क्लियर बच्चों, ये आंसर आ गया। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हो गए ना। तो हमने फर्स्ट प्रॉब्लम सीखा ना, सेकेंड प्रॉब्लम है ना। ओके, आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम और सीखते हैं ना, छोटी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं, छोटी छोटी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम्स ना। Now, एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री एंड क्वेश्चन नंबर फोर, दो क्वेश्चंस लेंगे ना। ठीक है, दोनों ही छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स हैं, समझ जाएंगे ना। मतलब क्या लिखा हुआ, इन जीपी, मान लो वो एक जीपी है। ठीक है, इफ आपको थर्ड टर्म गिवन है, मान लो थर्ड टर्म फाइव है कुछ भी ना, और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फाइंड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स, फर्स्ट फाइव टर्म्स का प्रोडक्ट निकालो। हाँ तो निकाल सकते हैं आसानी से, कैसे सॉल्व करेंगे समझिए बात को। मान लो कि अगर जीपी की बात कर रहे हैं तो जीपी का फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, कॉमन रेशो आर ले लेते हैं, तो जीपी कितना आ जाएगा, ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू डॉट डॉट करके ऐसे जीपी आ जाएगा ना। ठीक है, थर्ड टर्म गिविन क्या है, थर्ड टर्म कितना है फाइव, मतलब ए आर स्क्वायर का वैल्यू कितना गिविन है, फाइव गिविन है। ठीक है, ए आर स्क्वायर का वैल्यू ये गिवन है, आपको निकालना क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फाइव टर्म्स निकालना है।
मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको, फाइंड आउट करना है ए इंटू ए आर इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर पावर 3 इंटू ए आर पावर 4। ये जाएगा फर्स्ट फाइव टर्म्स, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे ध्यान से समझो। अच्छा देखो, ए को अपने फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है, ए पावर फाइव बना, ठीक है। आर की अगर बात करें तो आर पावर, देखो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर्स को आप ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे लिख सकते हैं, कहीं भी कोई समस्या नहीं है। ए पावर फाइव हमने लिखा या आर पावर यहाँ कितना बन जाएगा, 10 आ जाएगा ना। इस वाले पार्ट को अगर मैं देखूँ ना ध्यान से, तो ए आर स्क्वायर और पावर में कितना आ जाएगा, 5, ऐसे लिखा है कि नहीं लिखा, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा और ये क्या लिखा हुआ अपने आप में, थर्ड टर्म लिखा हुआ, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। क्या आंसर आया, 5 पावर 5 इसका आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये प्रॉब्लम ढंग से क्लियर है ना। ना एक प्रॉब्लम तो हमने ये सीखा ना, आगे और प्रॉब्लम सीखते हैं, ठीक है, और प्रैक्टिस करते हैं। एक और प्रॉब्लम मैंने आपसे पूछा, इन जीपी, इन जीपी एफ फर्स्ट टर्म एंड nth टर्म आर ए एंड बी है ना रेस्पेक्टिवली, मतलब फर्स्ट टर्म ए है और nth टर्म कितना बी दे रखा है ना, ठीक है। पी क्या है, पी इज प्रोडक्ट ऑफ, पी इज प्रोडक्ट ऑफ है ना फर्स्ट एंड टर्म्स, पी क्या है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ना। क्वेश्चन है फाइंड, आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी फाइंड नहीं करना, प्रूव दैट, प्रूव करिए पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी पावर एन, ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है। अच्छा बच्चों देखो एक बात समझो, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना प्रूफ दैट है ना, तो इस क्वेश्चन को अगर चाहे तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत आसान है, मतलब फर्स्ट टर्म आपको ए दे रखा है, एन एड टर्म आपको बी दे रखा है ना, पी इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू है ना, ऑप्शन ए में कुछ ऐसा लिख देंगे, ऑप्शन बी थोड़ा चेंज करके लिख दिया, ऐसे ऑप्शन ए बी सी डी ऐसे लिखा जा सकता है ना बहुत ही आसानी से। चलो तो बच्चों सॉल्व करें इसको, तो पहले आप लोग ट्राई कर लो, आप लोग ट्राई कर लेंगे उसके बाद मैं ट्राई कर लेता हूँ अपना। नाउ क्या दे रखा है, एक जीपी है ना, तो हमने क्या किया जीपी का फर्स्ट टर्म तो दे ही रखा है, तो फर्स्ट टर्म तो ए है ही, कॉमन रेशो आर मान लेते हैं, तो ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर पावर 4 डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस 1, ये जीपी है, एन एट टर्म है ना जीपी का, तो ये कितना गिवन है आपके पास, बी गिवन है, ठीक है। आपको करना क्या है, और पी क्या दे रखा है हमारे पास, पी दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म डॉट डॉट एन एट टर्म, पी हमारे पास ये गिवन है, मतलब अगर मैं पी कैलकुलेट करूँ तो पी का वैल्यू कितना आ रहा है, ए यहाँ से आ जाएगा ए आर, यहाँ से ए आर स्क्वायर डॉट डॉट ए आर पावर एन माइनस 1, ये आ जाएगा पी है ना। ना इसको अगर आगे कैलकुलेट किया जाए तो कितना बनेगा, अब देखो ये हमें फाइंड मतलब ये प्रूफ करना है ना, इस तरह का मुझे कुछ प्रूफ करना है, तो देखा जाए तो यही हमारे पास अल्टीमेटली आंसर टाइप का लिखा हुआ ना, पी है ना। अब इसको आगे हमें फर्दर और सिंप्लीफाई करना है ना, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एन टर्म से मतलब ए को मैंने एन बार मल्टीप्लाई किया है, तो ये क्या बनेगा, ए पावर एन बनेगा, ठीक है, आर पावर। अच्छा देखो बेस सेम है तो क्या होगा, पावर सेड हो जाएंगी, 1 + 2 + 3 अप टू अगर चलते जाएंगे तो कितना आ जाएगा, एन माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक और बात समझिए भैया, यहाँ क्या लिखा हुआ, ए पावर एन यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्या है, 1 + 2 + 3 अप टू एन माइनस 1 तक जाएंगे तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, तो देखो हमें एक फॉर्मूला पता है, 1 + 2 + 3 अप टू एन तक जाएंगे तो सम कितना आता है, एन, एन प्लस 1 अपॉन 2, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन 2 किया। जैसे अगर मान लो आपको सम निकालना है 1 + 2 + 3 अप टू मान लो आपको 100 तक निकालना है, क्या लिखा हुआ, 100 टर्म्स है तो 100 इंटू 100 प्लस 1 अपॉन में 2, मान लो आपको सम निकालना है 1 + 2 + 3 अप टू 105 टर्म्स का सम निकालना है, क्या लिखेंगे, 105, 106 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका अगर मुझे सम लिखना है तो क्या लिखेंगे, इधर ध्यान दीजिए आप, आर पावर, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन माइनस 1, तो नंबर ऑफ टर्म्स इंटू नंबर ऑफ टर्म्स प्लस 1 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। मतलब अगर अल्टीमेटली अगर समझें कितना आ रहा है, ए पावर एन तो यहां से आया और ये आ जाएगा, एक सेकेंड, आर पावर, आर पावर कितना, एन माइनस 1 इंटू में एन आ गए अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा,
ठीक है, यहां तक की बात हमें समझ में आई ना ना। अब बात को ध्यान से समझिए ना, तो भाई हमारे पास आंसर ही लिखा हुआ है बट हमें कुछ इस फॉर्मेट में प्रूफ करना है ना। अब देखो आप आगे की बात समझो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है, आर आ रहा है ना। अब एक बात समझो, अब हमारे पास में क्या, तो पूरे मैथ्स में आप एक बात को ध्यान रखिए ना, पूरे मैथ्स में कहीं पर भी अगर आप कोई भी वेरिएबल अपनी साइड से अज्यूम करते हो, कोई भी वेरिएबल अपनी साइड से अज्यूम कर रहे हो, तो बच्चा अब करना क्या होगा, उस वेरिएबल को इलिमिनेट कराना पड़ेगा। कारण सवाल में कहीं पर भी स्मॉल आर गिवेन है क्या? नहीं। क्वेश्चन में कहीं पर भी अगर स्मॉल आर नहीं दे रखा है तो इट मीन उसको मुझे हटाना पड़ेगा, ठीक है। और उसको हटाने के लिए कंडीशन हमारे पास ये दे रखी है, क्या कंडीशन गिवेन है, ये वाली है ना कि ए इंटू आर पावर एन इक्वल टू कितना दे रखा है, एन एटम कितना है, बी गिवेन है। मतलब अगर मैं यहाँ से अगर आर कैलकुलेट करूँ, आर पावर एन माइनस वन इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी बाई ए आ जाएगा। मतलब अगर मैं आर का वैल्यू अगर यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो भैया ये कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए, और पावर में कितना आ जाएगा, वन अपॉन ऑफ एन माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। ऐसा कुछ आया नाउ। अब आपको बात को आगे समझिए ना, अब बात को आगे बढ़ाते हैं। अब देखो हमने एक कलर भी थोड़ा चेंज कर लिया, ए पावर एन तो हमने यहाँ लिखा ना, अब स्मॉल आर का मैं वैल्यू पुट करता हूँ, स्मॉल आर का वैल्यू कितना आ जाएगा, बी अपॉन ए, तो हमने यहाँ लिखा पावर में कितना आ रहा है, वन अपॉन ऑफ एन माइनस वन, ये आया ना, ठीक है। नाउ अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हमने स्मॉल आर का वैल्यू लिख दिया और उसका पावर कितना आ रहा है, एन माइनस वन इंटू में एन अपॉन में टू आ रहा है। यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? अच्छा अब एक बात आपको पता है कि पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। अगर पावर्स मल्टीप्लाई है तो भाई एन माइनस वन से ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब हमारे पास में अगर ध्यान से देखें तो एक्चुअली बचा क्या है, हमारे पास बचा हुआ ए पावर एन तो यहाँ लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ, बी अपॉन ए पावर में कितना जाएगा, एन बाई टू आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की बात भी हमें क्लियर है ना। अब इस बात को ध्यान समझे, इसको अगर ए पावर एन तो यहाँ लिखा है, इसको मैंने कहा पावर को अलग अलग कर दिया दोनों पर ना, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बी पावर एन बाई टू, और अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा, ए पावर ऑफ एन बाई टू, ऐसे कुछ आ जाएगा। अच्छा अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या माइनस में आ जाएगा, मतलब ए पावर एन माइनस ऑफ एन बाई टू इंटू बी पावर ऑफ कितना आ जाएगा, एन बाई टू। देखो पूरी कैलकुलेशन को बहुत ही बेसिक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं ना ना। अगर इस बात को अगर यहाँ समझे तो ये कितना आ जाएगा, ए पावर एन बाई टू तो हम यहाँ पर आ गए, और बी पावर कितना आ जाएगा, एन बाई टू आ जाएगा। मतलब अगर इस वाले पॉइंट को हम चाहें तो ए बी पावर कितना लिख सकते हैं, एन बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं। तो पी इज इक्वल टू कितना आया, ए बी पावर एन बाई टू। मतलब अगर मैं यहाँ से स्क्वायर को इधर, वन अपॉइंट टू को इधर लेके जाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पावर रेसिप्रोकल हो जाती है ना, तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए बी पावर एन आ जाएगा ना। ये हमें प्रूफ करना था, दिस इज हैंस प्रूफ। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको अच्छे ढंग से क्लियर है ना। कहीं भी अगर कोई दिक्कत है ना बेटा, फिर देखो, फिर समझो, समझाने में दिक्कत है ना, समझने में दिक्कत है ना, समझाने में भी हो सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है ना बट हाँ मतलब आपको समझना चाहिए, अगर आप ध्यान समझोगे सारी बात समझ जाते हैं ना, बस कंसंट्रेट करने की जरूरत है। ओके बच्चों ना, ये प्रॉब्लम भी क्लियर है ना, कहीं भी इसमें कोई समस्या नहीं है। अच्छा और प्रैक्टिस करते हैं चार के बाद में, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 5 है ना। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 में दो सवाल करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 6 में एक दो प्रॉब्लम के और प्रैक्टिस करेंगे ना, अभी ध्यान से ना थोड़ा अच्छी अच्छी प्रॉब्लम सॉल्व लेते हैं ना। अब जैसे मान लो इफ, ऐसे लिखते हैं इफ, इफ पी एथ कॉमा क्यू एथ कॉमा आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, कैसा है, जी पी में है, ठीक है, पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी आर इन जी पी, देन देन कॉमन रेशो एज सी डॉट आर, है ना, शॉर्ट में ऐसे लिख दिया कॉमन रेशो एज। तो अब आपसे पूछते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को भी बाद में लिखेंगे, ऑप्शन ए पी माइनस क्यू अपॉन में क्यू माइनस आर, ऑप्शन बी क्यू माइनस आर अपॉन में पी माइनस क्यू, ऑप्शन सी पी है ना इंटू पी अपॉन क्यू, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक बच्चों, तो पहला प्रॉब्लम तो हमारे पास में ये है ना, तो अगला प्रॉब्लम अभी हम यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 ना, वो इसी का भाई है ना, इस क्वेश्चन का ही भाई है। अब देखो बड़े ध्यान समझना क्या दे रखा है, ए पी एथ क्यू एथ आर एथ टर्म ऑफ एन ए पी, कोई एक ए पी है उसके क्या है, वो जी पी में है,
अब देखो बड़े ध्यान से मेरी बात समझिए आप, कैसे सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब देखो बात समझो ध्यान से, देखो ऐसे समझिए, ये एक एपी है, अभी टर्म्स नहीं लिख रखे हमने, कोई एक एपी है ना, ये एपी है, ठीक है, ये एपी है एक, इस एपी का कोई भी टर्म है, मान लो पी एड टर्म आपने ये पकड़ा, कोई भी एक टर्म इसका क्यू एड टर्म, और कोई भी इसका एक आर एड टर्म है ना, यह है, ये सब कैसे हैं, जीपी में है, मतलब टी पी टी क्यू और टी आर, ये कैसे इन जीपी, ये जीपी में है। ठीक है, अगर ये जीपी में है और आपको कॉमन रेशो फाइंड आउट करना है ना, तो देखो जीपी में है तो आप ऐसे लिख सकते हैं इसको टी क्यू अपॉन टी पी, ऐसे लिखा जा सकता है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टी आर अपॉन टी क्यू, ऐसे लिख सकते हैं, टी क्यू अपॉन टी पी, टी आर अपॉन टी क्यू ना, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा अगर ध्यान से देखा तो ये लिखा क्या है, कॉमन रेशो, ये कॉमन रेशियो मतलब मुझे ये निकालना है, कॉमन रेशियो निकालना है ना, टी क्यू अपॉन टी पी है ना, एक्चुअली देखा है तो यही आंसर है, बट ऐसा तो ऑप्शन में नहीं देखा, मतलब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब देखो इसको आगे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, इस बात को समझने के लिए पहले आप दो पॉइंट समझिए, पहला तो समझिए आप पॉइंट नंबर 1, ठीक है, पॉइंट नंबर 1 को इसको मैं बोलूंगा रेशो प्रॉपर्टी, पहला तो आप रेशो प्रॉपर्टी सीखे ना, प्रॉपर्टी, ठीक बच्चों, एक डिब्बे में समझा रहे हैं बात को, बड़े ध्यान से समझना ना, बहुत ही ध्यान से ऐसा डिब्बा बना लेते हैं, पॉइंट नंबर 1 आपको ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली बात देखो, आगे जब सिंप्लीफाई करना है तो कॉमन रेशो निकालना है तो बस चुटकियों वाला काम रहेगा ना, कैसे निकालेंगे बस उसको आप समझिए ना। अच्छा पहले आप एक एग्जांपल समझो नंबर से, जैसे 1/2 लिखा है और 2/4 ना, आसान से नंबर लिए मैंने, ठीक है, ये दोनों से बराबर दे रखे हैं आपको। अच्छा यहां से अगर हम चाहें तो ऐसा सूझबूझ के साथ हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 / 2+4, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अब देखो ध्यान से कितना लिखा हुआ है, ये 3 लिखा है, नीचे 6 लिखा हुआ है, 3/6, 3/6 को मैं क्या लिख दूंगा 1/2, हाँ बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, मतलब यहां से अगर ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेशो प्रॉपर्टी है ना। अगर आपके पास ये गिवेन है, इतना दे रखा है, तो हम क्या कर सकते हैं, आगे हम ये टर्म भी लिख सकते हैं। अच्छा अगर आप चाहें तो प्लस की जगह आप माइनस भी ले सकते हैं, मतलब देखो ये इसके बराबर भी आएगा, 1 - 2/2 - 4, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, -1 नीचे कितना आ गया, -2, -1 कैंसिल हो गया, अगेन 1/2, मतलब 1/2 के बराबर ही लिखा हुआ है, मतलब ऐसा भी लिखा जा सकता है। अच्छा बच्चों ध्यान समझो, रेशियो प्रॉपर्टी से अगर आपको लिखना होगा तो लिखना तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर / यहाँ से आ जाएगा 2 स्क्वायर + 4 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो 2 स्क्वायर तो कितना, 4 + 1 = 5 आ गया, नीचे 20 लिखा हुआ है ना, 5/20 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/2, अच्छा ऐसे भी लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है अगर आप चाहें तो प्लस की जगह माइनस साइन भी ले सकते हैं, ठीक है माइनस साइन आपने ले लिया, तो देखो माइनस साइन लेंगे तो ऊपर -3 बनेगा, नीचे -12 बना, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3/12 मतलब 1/4, 1/4 मतलब 1/2 आ गया, मतलब रेशियो प्रॉपर्टी से हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बहुत सारी बातें आपने सीखी, एक छोटा सा पॉइंट बताया बस आपको ना, इन डिटेल तो भी नहीं, इतना पॉइंट आप समझिए ना, पहला पॉइंट नंबर 1 तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। दूसरा पॉइंट नंबर 2 आपको क्या ध्यान देना चाहिए, अगर मान लो आपको एपी का पीएथ टर्म और क्यूएथ टर्म का डिफरेंस निकालना है बच्चों ना, कोई भी अगर एपी है आपको किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकालना है, टीपी माइनस टीक्यू आपको निकालना है, तो कितना आएगा, फर्स्ट टर्म ए मान लेते हैं, ये आ जाएगा p-1 * कितना है, कॉमन डिफरेंस, ये तो हमने लिखा पीएथ टर्म है ना, क्यूएथ टर्म अगर मैं लिखूंगा तो a+q-1 * कितना जाएगा, डी, ऐसे कुछ आया। अब ध्यान से देखें तो ए से ए कैंसिल हो गया, -d से -d कैंसिल हो जाएगा, कैसे, यहाँ माइनस का डी, माइनस साइन अंदर आ गया, प्लस का डी है ना, कैंसिल हो गया, यहाँ से ध्यान से देखो तो क्या बचा, p·d बचा, p·d, यहाँ से कितना बच रहा है, q·d, पर बाहर माइनस साइन है तो -q·d बचा, तो हमने d ले लिया कॉमन, तो ये कितना आ गया, p−q·d आया ना, पॉइंट नंबर 2 आपने ये समझा इस सवाल को सीखने के लिए। ठीक है अब देखो बात को समझिए, कभी भी अगर आपको tp−tq निकालना, किन्हीं भी दो टर्म का आपको डिफरेंस निकालना होता है, तो हम क्या करेंगे, जो लोअर यहाँ पर जिस ऑर्डर में p और q लिखा हुआ उस ऑर्डर में p और q का डिफरेंस हमने लिखा, इनटू में हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप आप इस सवाल को समझ गए ना अच्छे ढंग से ना, मेरी बात को समझ गए। अब देखो हम बात करते हैं आगे की, अब आपको इतना तो समझ में आ गया, यूजिंग रेशो प्रॉपर्टी पॉइंट नंबर 1 आई कैन राइट pq−tr, ऐसे लिख सकते हैं इसको, इसको मैं लिख सकता हूँ tp−tq, हाँ बहुत अच्छे ढंग से लिख सकते हैं ना, कहीं कोई समस्या नहीं है, अच्छा बहुत अच्छी बात है सर है ना, ऐसा लिख सकते हैं। वे पॉइंट नंबर 2 की हेल्प से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, q-r
इनटू में उसी ऑर्डर में हमने क्यू माइनस आर लिखा इनटू कॉमन डिफरेंस अपॉन में यहाँ कितना आ जाएगा पी माइनस क्यू इनटू कॉमन डिफरेंस, ऐसे लिख सकते हैं। कॉमन डिफरेंस से कॉमन डिफरेंस कैंसिल हो गया, ये लिखा गया कॉमन रेशियो हमारे पास ये आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों समझ गए आप लोगों ना, समझ गए आप मेरी बात को, बहुत ही बढ़िया ना। कुछ अगर दिक्कत है तो उस प्रॉब्लम को फिर से रिवाइज करो ना। नाउ अब हम इसका अगला प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पहले लिखते हैं और फिर सॉल्व करते हैं ना। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 होंगे, इफ पी एच कॉमा क्यू एच कॉमा आर एच कॉमा एस एच टर्म ऑफ एन ए पी, ठीक है, आर इन जी पी, किसमें है वो जी पी में है। मान लो अगर हमारे पास में ए पी के टर्म्स हैं पी एच क्यू एच आर एच एस एच टर्म आर इन ऑफ एन ए पी है ना, आर इन जी पी। क्वेश्चन है देन प्रूव दैट पी माइनस क्यू Q माइनस आर और R माइनस एस इन जी पी, ये आपको प्रूफ करना है ना। प्रूफ दैट ये कैसा आएगा जी पी में आएगा, कैसे प्रूफ करेंगे बहुत ही ध्यान से समझिए बात को। देखो फिर से वही बात हमने लिखी, कोई एक ए पी लिखा, ये ए पी है बच्चों, है ए पी है ना, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा डेड डैश पर ये ए पी है, चलो आप समझ गए ना बात को। इस ए पी का कोई भी एक टर्म दे रखा है पी एच टर्म, इसका कोई एक टर्म दे रखा है क्यू एट टर्म, मान लेते हैं कि ये इसका आर एट टर्म है, मान लेते हैं कि ये इसका एस एट टर्म है, ठीक है। ये सब कैसे आ रहे हैं जीपी में आ रहे हैं, मतलब आपको दे रखा है टी पी कॉमा टी क्यू कॉमा टी आर और कॉमा टी एस, ये कैसा है इन जीपी, ये जीपी में है। तो यहां से मैं एक बात ये कह सकता हूँ कि टी क्यू अपॉन टी पी, ठीक है बात सही है। यहां से हम बोल सकते हैं टी आर, इन दोनों कॉमन रेशो निकालेंगे यहां से ए आ जाएगा, यहां से इन दोनों का रेशो निकालेंगे तो टी एस अपॉन टी आर, कुछ ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, कहीं भी कोई समस्या इसमें नहीं है। अच्छा आगे की बात समझो, अब देखो अभी आप भी तुरंत आपने सीखा था रेशियो प्रॉपर्टी, यूजिंग द रेशियो प्रॉपर्टी आई कैन राइट टी क्यू माइनस टी आर अपॉन टी पी माइनस टी क्यू, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। अच्छा यूजिंग रेशियो प्रॉपर्टी इस वाले पार्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सब बराबर ही आएंगे, टी आर माइनस ऑफ टी एस अपॉन में क्या लिखेंगे टी क्यू माइनस ऑफ टी आर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो सीखते सीखते आप लोग ये भी सीख गए भाई, इस वाले पार्ट को अगर हम चाहें टी क्यू माइनस टी आर को अगर मैं लिखना चाहूं तो अभी हमने सीखा ना पॉइंट नंबर 2 में, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं क्यू माइनस आर इंटू कॉमन डिफरेंस और यहां लिखेंगे पी माइनस क्यू इंटू कॉमन डिफरेंस, जो तो कैंसिल हो गया ना, आर माइनस एस इंटू कॉमन डिफरेंस और क्यू माइनस आर इंटू कॉमन डिफरेंस, तो डी डी कैंसिल हो जाएगा, फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया ना, ठीक है। सॉल्व करते गए अड़ते गए और आगे फिर हमने यहाँ से रिजल्ट लिख दिया। अब देखो इस वाले रिजल्ट को अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो भाई हमें प्रूफ करना है तो क्यू माइनस आर और पी माइनस क्यू का रेशो निकालें, तो ये आ गया क्यू, इन दोनों का रेशो निकालो आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ऐसे आ रहा है। तो यहाँ से हम एक बात बोल सकते हैं दैट इम्प्लाइज कि भैया पी माइनस क्यू क्यू माइनस आर और आर माइनस एस कैसे आएंगे इन जी पी आएंगे, समझ गए बच्चों। आई होप आपको ये प्रॉब्लम अच्छे ढंग से क्लियर हो गया ना, ठीक बच्चों और प्रैक्टिस करते हैं ना, और प्रॉब्लम करते हैं, एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पे लेता हूँ, ठीक है तो ध्यान समझिए प्रॉब्लम क्या है, एक और प्रॉब्लम करेंगे, दो प्रॉब्लम करेंगे ना और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना हो गया था 6 तक हो गया था ना, ना क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड फोर इंटीग्रल टर्म, फाइंड फोर इंटीग्रल टर्म इन जी पी, ठीक है, इन विच सेकेंड टर्म इज स्मॉलर, सेकेंड टर्म इज स्मॉलर देन फर्स्ट बाई 35, सेकेंड टर्म कैसा है हमारे पास स्मॉलर देन फर्स्ट है बाई 35 एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ टर्म
बाई 560, और थर्ड टर्म कैसा है, लार्जर देन फोर्थ है, फोर्थ टर्म बाई 560 ना, ठीक है। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या लिखा है हमारे पास में, हमें फाइंड फोर इंटीग्रल टर्म इन जीपी, जीपी में से चार इंटीग्रल टर्म्स आपको फाइंड आउट करना है इन जीपी, है ना, इन विच सेकंड टर्म कैसा है स्मॉलर देन फर्स्ट लिखा हुआ है बाई 35, है ना, एंड थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ टर्म बाई 560। बस समझ में आई, समझाते हैं ना, ध्यान से समझना कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है बच्चों। क्या लिखा है, T1, T2, T3 ऐसे टर्म्स हमने जीपी के टर्म्स ले लिए हैं, इन जीपी ऐसे टर्म्स, है ना, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म जीपी के टर्म में। तो गिवन क्या है हमारे पास में, सेकंड टर्म इज लेस देन फर्स्ट टर्म बाई 35, 35 से छोटा, है ना, एक तो ये कंडीशन दे रखा है हमारे पास। एंड सेकंड कंडीशन क्या दे रखा है, जो फोर्थ टर्म है दैट इज कितना लिखा हुआ है, थर्ड टर्म से लार्जर लिखा हुआ है बाई 560, ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, तो क्या लिखा है हमारे पास में, यहां से इसको मैं लिख सकता हूँ T1 माइनस T2 इक्वल टू कितना आ गया, 35। और इसके अगर लिखें, यहां से मैं लिख सकता हूँ T4 माइनस T3 इक्वल टू कितना आ गया, 560, ऐसे लिख सकते हैं। नाउ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, T1 तो कितना आ जाएगा A, T2 कितना है AR, दैट इक्वल टू कितना है 35, ठीक है। T4 की अगर बात करें तो कितना आ जाएगा ARQ, और थर्ड टर्म अगर लिखेंगे तो कितना है AR² दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 560, ठीक है। यहां तक की बात तो हमें क्लियर हुई ना, अब एक काम करते हैं हम यहां से, अब ठीक है, अब देखो एक काम ये किया जाए, यहां से देखो ए कॉमन आ रहा है, ए कॉमन ले लिया, ए इंटू 1 माइनस आर इक्वल टू कितना आ गया, 35। दूसरा अगर यहां से अगर बात करें तो यहां से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, आ माइनस 1 यहां से बचा ना, और दैट इज कितना 560। मान लो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो हमने क्या किया, 2 में फर्स्ट से डिवाइड लगाया, ठीक है। जब फर्स्ट से डिवाइड लगाएंगे, 2 को फर्स्ट से डिवाइड लगा, ए और 1 माइनस आर तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो हमारे पास में क्या बचा, माइनस का आर स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आर स्क्वायर क्यों बच रहा है, सॉरी सॉरी बच्चों ना, यहाँ पर तभी करें, थर्ड टर्म इज लार्जर देन, ना यहाँ गलती कर रहे थे ना, कि हो क्या रहा है, लिखा क्या है, थर्ड टर्म इज लार्जर, है ना, तो थर्ड टर्म आएगा ना इज लार्जर, तभी तो कहें कि हो क्या रहा है, सॉरी फिर से वही गलती कर रहे हैं, थर्ड टर्म इज लार्जर, थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ, है ना, थर्ड टर्म इज लार्जर देन फोर्थ ऐसा कुछ लिखा हुआ, मतलब T3 माइनस T4 लिखा हुआ है ना, T3 माइनस T4 मतलब हमारे पास में कितना है, AR² माइनस ऑफ ARQ आया, तो यहां से कितना आया, 1 माइनस ऑफ आर का टर्म आएगा ना, ठीक है। जब आप दोनों को डिवाइड लगाएंगे तो ये आ जाएगा प्लस का R² और यहां से आ जाएगा 560 अपॉन में कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा ना, 35 अगर इसको डिवाइड कराएंगे तो 5 से देखो एक बार जाएगा, तो एक बार यहाँ चला गया 35, तो यहाँ से कितना बचा, 15 और 6 21, 21 बचा, 210 आ गया, 210 का 15, 35 इंटू 5 3 कितना आता है, 1056, यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा, मतलब R² इसका वैल्यू कितना है, 16 आ गया, मतलब R² का वैल्यू कितना है, 16 आया, मतलब R का वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस ऑफ 4 आ जाएगा, समझ गए, ठीक है। अच्छा R का वैल्यू क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, माइनस 4 हो सकता है, ठीक है, दो वैल्यू लेके चलते हैं। तो R का वैल्यू अगर मान लो कि प्लस का 4 है, तो फिर A का वैल्यू क्या रहेगा, फ्रॉम फर्स्ट जाते हैं ना, फर्स्ट से अगर गए है ना, तो R का वैल्यू अगर 4 यहाँ रखेंगे तो A इंटू कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 3 यहाँ से आ जाएगा, दैट इक्वल्स टू कितना है, 35 आया, और ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस 35/3 आ जाएगा, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि T1 T2 T3 जो टर्म्स है ना जीपी के, वो कैसे इंटीग्रल है ना, फाइंड फोर इंटीग्रल टर्म इन जीपी ना, इन बीच ना, तो हमारे पास में क्या है, जो टर्म्स है वो कैसे आ रही है, इंटीग्रल नहीं आएंगे ना, T1 T2 T3 इंटीग्रल नहीं बनेगा, तो ये टर्म तो हट जाएगा। अगर मान लो आर का वैल्यू अगर -4 है, तो फ्रॉम फर्स्ट से अगर हम जाएं ए इंटू -4 पुट कराएंगे तो यहाँ 5 बनेगा, और 35 यहाँ से आ जाएगा, तो इसको जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा ना,
ए का वैल्यू 7 आ गया, आर का वैल्यू कितना आया, माइनस का 4 आया, तो टर्म्स हमारे पास में कितने आ जाएंगे, एक टर्म ए हो जाएगा, एक टर्म ए आर, एक टर्म ए आर स्क्वायर और एक टर्म कितना है ए आर क्यूब, ये टर्म्स आ जाएंगे ना इंटीग्रल टर्म्स, इनको इजीली फाइंड आउट कर लेंगे आप, आर की वैल्यूज यहाँ पुट कर सकते हो ना। क्लियर है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात भी क्लियर होगी ना। एक और प्रॉब्लम करते हैं ना, लास्ट प्रॉब्लम है ना, फिर ये लेक्चर पर, ये लेक्चर क्या करेंगे अपना एंड कर देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हम करने वाले हैं लेट, ऐसे प्रॉब्लम देते हैं लेट A1 A2 A3 डॉट डॉट AN आर इन GP, ये सब कैसा है GP में है, विथ फर्स्ट टर्म H8, फर्स्ट टर्म कैसा 8 है। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 6 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 3 टाइम्स 2 टाइम्स ऑफ A3, है ना, आपको इसका मिनिमम वैल्यू निकालना, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। ठीक बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान सोचिए ना, क्या दे रखा है A1 A2 A3 आर इन GP, है ना, ऐसे GP में दे रखा है हमारे पास में, और फर्स्ट टर्म 8 दे रखा है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस टर्म, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है। ठीक है, समझिए कैसे सॉल्व करेंगे, लेट ई हमने फर्स्ट टर्म ऐसे ई ले लिया ना, इस टर्म का वैल्यू 6 टाइम्स ऑफ A2 यहाँ लिखा और 2 टाइम्स ऑफ A3। ठीक है, तो फॉर्मूला ऐसे पुट करते हैं, तो ए इंटू आर कॉमन एस आर ले लिया, फर्स्ट टर्म ए ले लेते हैं, तो 2 इंटू इसका वैल्यू कितना आ जाए ए आर स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू कितना आ रहा है 8 आ रहा है, 8 अगर यहाँ पुट कराएंगे तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 6, तो 48 R आ जाएगा। ठीक है, ए का वैल्यू हमने 8 पुट कराया तो कितना आ जाएगा 16 R² आ जाएगा ना। अच्छा ध्यान से अगर देखें तो क्या लिखा हुआ है, 16 R² प्लस 48 R, मतलब ई जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना, इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, तो आर में एक क्वाड्रेटिक है, अब कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू तुम्हारे पास कितना आएगा, -D/4A, यही इसका मिनिमम वैल्यू होगा। ठीक है, तो ई मिनिमम कितना आ जाएगा, -D/4A, और माइनस ऑफ डी का अगर वैल्यू लिखेंगे तो B² -4A, सी का वैल्यू 0 है तो इसलिए ये वाला पार्ट तो 0, अपॉन में कितना है 2 टाइम्स ऑफ A आ जाएगा, -B² / 2A, ये है ना, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ऑफ बी का वैल्यू कितना गिवेन है, बी मतलब यहाँ से कोफिशियंट ऑफ AX² प्लस BX, है ना, तो बी का वैल्यू आ गया 48, 2 टाइम्स ऑफ A का वैल्यू कितना रहा 16 आ गया, 16 से 3 टाइम्स कैंसिल हो गया और कितना आ गया -3/2 आया ना, ई का जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा, -3/2 आएगा। क्लियर बच्चों, ओके बच्चों, तो फर्स्ट सॉरी लेक्चर नंबर 7 वाला जीपी का जो हमारे पास लेक्चर था ना, वो हमने यहाँ कंप्लीट कर लिया, मतलब इस लेक्चर में जीपी वाले जो लेक्चर में हमने आज जैसे जीपी की जो स्टार्टिंग हुई है, इस लेक्चर में हमने क्या क्या समझ लिया, एक बार हम क्विक रिविजन कर लेते हैं। पहला तो हमने समझा था जीपी का डेफिनेशन क्या होता है ना, जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या होगा और nth टर्म ऑफ जीपी क्या रहेगा ना। क्लियर बच्चों, ओके, थैंक यू।